हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज हम उसी रिक्रूटमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं किस तरीके का है पोस्ट, कौन है एलिजिबल। तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे एनसिल का रिक्रूटमेंट है गाइस। एनसिल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो कि एक तरीके से समझ लीजिए आप एक स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करने वाला है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा एक तरीके से बीएसयू की तरह ही है काम ये करता है, इसरो का एक सब्सिडरी ब्रांच की तरह काम करता है। तो गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन है एलिजिबल, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले चीफ मैनेजर स्ट्रेटजिक प्लानिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एक पोस्ट रखा गया है, डेप्यूटी मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दो पोस्ट रखा गया है, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दो पोस्ट, टेक्निकल मैकेनिकल के लिए दो पोस्ट, डिप्यूटी मैनेजर टेक्निकल रिमोट सेंसिंग के लिए एक पोस्ट। इसके अलावा मैनेजर टेक्निकल, डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल मैकेनिकल में आप देखेंगे दो पोस्ट रखा गया है, चीफ मैनेजर अकाउंट्स के लिए एक पोस्ट है, मैनेजर अकाउंट फाइनेंस के लिए एक पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए तीन पोस्ट है, मैनेजर लीगल के लिए एक पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर लीगल के लिए वन पोस्ट है, चीफ मैनेजर एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वन पोस्ट है। नेक्स्ट आता है आपके पास डिप्टी मैनेजर परचेज एंड स्टोर के लिए वन पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए एक पोस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए एक पोस्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे तो पोस्ट के बारे में हो गई डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है कौन है एलिजिबल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है। चीफ मैनेजर स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, अप्लाइड होना चाहिए या एलाइड ब्रांचेस हो जितने भी मैकेनिकल हैं इन सभी चीजों में। इसके अलावा 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। अपर एज लिमिट रखा गया है यहाँ पर 48 ईयर और ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आता है डेप्यूटी मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट, ये भी आपका जनरल के लिए है और यहाँ पे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एरोस्पेस या स्पेस सिस्टम या फिर सर्विस जो कि मार्केटिंग सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट में एसोसिएटेड हो। और रिक्वेसाइट अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और एलाइड ब्रांच और मैकेनिकल और एलाइड ब्रांच एरोनॉटिकल स्पेस एरोस्पेस या फिर मार्केटिंग या सेल्स में अगर MBA है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो अगेन आपको 8 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा है, 45 ईयर्स यहाँ पर रखा गया एज लिमिट और ये पोस्ट सिर्फ UR यानी जनरल और EWS के लिए है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके एलाइड ब्रांचेज की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिमोट सेंसिंग वाला, तो ध्यान रखिएगा मैनेजर अगर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशन रिमोट सेंसिंग में अगर है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल ब्रांच से यहाँ पे इंजीनियरिंग BE BTEC या BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए, MEMTECH है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे BE BTEC रखा हुआ है। इसके अलावा 8 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस और साथ ही साथ एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स, पोस्ट है जनरल और OBC के लिए। नेक्स्ट आता है डेप्यूटी मैनेजर टेक्निकल रिमोट सेंसिंग में, यहाँ पे BTEC मांगा गया है किसमें, फिजिकल साइंस में, अप्लाइड फिजिक्स में, रिमोट सेंसिंग में, GIS में। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके पास MSc फिजिक्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ, और मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए किसमें, GS CPSC में, रिमोट सेंसिंग में। अगर आपके पास है MSc के साथ साथ ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो आप जरूर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रखा गया 45, OBC के लिए ये पोस्ट रिजर्व्ड है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेप्यूटी मैनेजर के लिए मिनिमम 4 ईयर्स का BE BTEC और BSc इंजीनियरिंग चाहिए, साथ ही साथ 4 ईयर्स का यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 45 साल की उम्र रखी गई है अपर एज लिमिट, जनरल SC ST तीनों के लिए यहाँ पर तीन पोस्ट रखे गए हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस, इसके अलावा 4 ईयर का BE BTEC, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स, OBC और SC के लिए रिजर्व है। अकाउंट एंड फाइनेंस की अगर हम बात करें तो चीफ मैनेजर अकाउंट फाइनेंस के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, इसके अलावा CA ICAW अगर किसी ने किया है, साथ ही साथ 16 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए और 48 ईयर्स एज रखा गया है, जनरल के लिए रिजर्व किया गया है इस पोस्ट को। नेक्स्ट है मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस में, यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए, इसके अलावा CA ICAW किसी ने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर MBA फाइनेंस किसी ने कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रखा गया 45 ईयर्स, OBC के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट पोस्ट आता है डेप्यूटी मैनेजर अकाउंट फाइनेंस, अकाउंट फाइनेंस में बैचलर डिग्री के साथ CA या ICWA, इसके अलावा MBA फाइनेंस अगर किसी ने कर रखा है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 45 ईयर्स एज रखा गया है, जनरल OBC और SC के लिए रिजर्व है।
नेक्स्ट है लीगल और एचआर एडमिनिस्ट्रेशन परचेज एंड स्टोर वाले में, तो पहला है मैनेजर लीगल के लिए लॉ में डिग्री होना चाहिए यानी बीए एलएलबी होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके अलावा 8 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बार काउंसिल में या फिर मिनिमम किसी लॉ फर्म्स में हैंडलिंग लॉज एंड क्लॉजेज ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट फर्म्स में या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। इसके अलावा अपर एज लिमिट 45 ईयर्स जनरल के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट आता है डेप्यूटी मैनेजर लीगल में, अगेन यहाँ पे फर्स्ट क्लास लॉ डिग्री, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 45 ईयर्स का यहाँ पर आपका एज लिमिट, EWS के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है चीफ मैनेजर एचआरएस एडमिनिस्ट्रेशन, 16 ईयर का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एमबीए एमएसडब्ल्यू ध्यान दीजिएगा मास्टर इन सोशल वर्क या एमए फर्स्ट क्लास किसी के पास है तो अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट 48 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनेजर एचआर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एचआर एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पे एमएसडब्ल्यू एमबीए पीजी होना जरूरी है, 4 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसके अलावा यहाँ पर 45 ईयर्स का एज ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। डेप्यूटी मैनेजर परचेज में अगर हम बात करें तो परचेज के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा एमबीए है तो यहाँ पर आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा और 4 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड है, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स, एससी के लिए रिजर्व है। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ भी मास्टर डिग्री इन हिंदी रिक्वायर्ड है, 4 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 45 ईयर्स का एज रखा गया है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है। कंपनी सेक्रेटरी की बात करूँ तो ये आपका जनरल के लिए रिजर्व्ड है, 48 ईयर्स का एज रखा गया है और सीएस में यहाँ पे आप 16 ईयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखा गया है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की बात करें तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको 4 साल का मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 45 ईयर्स रखा गया है एज यहाँ पर और ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। तो गाइस ध्यान रखिएगा जितनी भी एलिजिबिलिटी है, जितनी भी पर्पसेस है, जितने भी यू नो आपका एक्सपीरियंस का है, इन सभी डेट 31 अगस्त से पहले के होने चाहिए, उसके बाद के नहीं, क्लियर। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आपका मेंशन एज लिमिट है उसमें, क्लियर रहेगा। अब बात आती है पे स्केल पे यानी अलाउंसेस और पे कैसे रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे मैं डिप्यूटी मैनेजर या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए 50,000 से 1,60,000 तक का, मैनेजर 60,000 से 1,80,000, चीफ मैनेजर का 80,000 से 2,20,000 तक। इसके अलावा आपको बेसिक पे के साथ साथ डियरनेस अलाउंसेस, होम रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट, ग्रुप हेल्थ स्कीम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। पोस्टिंग कहाँ होगी, अहमदाबाद या बेंगलुरु, कहीं पर भी जहाँ पोस्ट अवेलेबल हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो जनरल EWS OBC से 500 रुपीज़, रिमेनिंग कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो PWD हो, एक्स सर्विसमैन हो, SC ST हो, तो उनको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। चलिए अगर कहीं पे कोई काम कर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि अगर आप CTC की बात करें, ओवरऑल CTC, तो E2 ग्रेड में CTC 9 लाख पर एनम, E3 में आपका 11 लाख का पर एनम और E5 में 15 लाख का, जो कि मैनेजर चीफ मैनेजर का पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया रखा गया है इसी के बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्लियर। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर आपका डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो आप अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट पे बनाने के बाद वहां से आपको कॉल किया जाएगा, क्लियर है। अब अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान रखिएगा इस एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन को फुलफिल करना है, फुलफिल करने के बाद कंप्लीटली फिल करने के बाद अगर आप सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हो उसके बाद ही आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आप यहाँ पे इस एड्रेस पर सेंड करेंगे, क्लियर है, इस एड्रेस पर आप सेंड करेंगे, क्लियर रहेगा। चलिए तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया गया है NSIL, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट। बहुत ही जल्द हम लोग मिलने वाले हैं एक नए अपडेट के साथ। गाइज अगर आपको लगता है किसी को भी 4 ईयर एक्सपीरियंस है, चलो 16 ईयर एक्सपीरियंस नहीं होगा मान सकता हूँ, किसी के पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जॉब है। अगर आपको लगता है कि कुछ क्रिएटिव चीज़ें करनी चाहिए तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जॉब साबित हो सकता है। ओके गाइज, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।